नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक भाई कमेंट था कि कम से कम रेंज का मतलब कम से कम प्राइस के अंदर कौन सी समर्सिबल आती है सेम एचपी के अंदर। दोस्तों ऐसा है जहाँ पर अगर आप किसी 15 एचपी की मोटर की बात कर लें, अगर दूसरी कंपनी की तरफ जाएंगे जैसे वरुणा, किर्लोस्कर, ओसवाल, क्रॉम्पटन, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, उनके बजाय अगर किसी मोटर की प्राइस काफ़ी सस्ती, काफ़ी ज़्यादा सस्ती है तो वो है कलसी या टेक्समो। इन दोनों कंपनी के मोटर आपको काफ़ी कम रेंज में, काफ़ी कम प्राइस में आपको देखने को मिलती है, जहां दूसरी कंपनी आपको 60 से 70 ऑफर कर रही है, ये आपको 50 में दे रही है। और सेम बात करूँ पानी की तो पानी आपको उनके बराबर दे देती है। बस इतना है उनके भाई वो मोटर थोड़ी हैवी भारी ज़्यादा होती है, पर नहीं सच बताऊँ ना 10-12 साल तुम कहीं नहीं हिलती अगर आप टेक्समो या कलसी मोटर भी खरीदते हैं तो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि सबसे अगर चीप प्राइस की बात करें दूसरी कंपनियों के बदला है, 50,000 वैसे पैसा बहुत होता है, बट दूसरी कंपनियों के बजाय ये काफ़ी सस्ती देती है और काफ़ी अच्छी चीज़ देती है, आपको क्वालिटी देती है। कलसी की वारंटी नहीं आती, टैक्सों की वारंटी नहीं आती, बट ऐसे मैं विश्वास दिलाता हूँ ये कंपनी वारंटी इसलिए देती कि वो खुद कहती कि सिर्फ दूसरी कंपनियाँ भी सिर्फ मोटर की वारंटी देती है, पंप की कोई नहीं देती। और पंप के मोटर के अंदर भी बैरिंग की वारंटी नहीं देती अगर टूट जाए किसी वजह से, सिर्फ जलने की होती है, और जलने में समर्सिबल कभी नहीं जलती। सिर्फ बात करें तो 1-2 साल 3 साल, 1 साल की या ज़्यादातर कोई मोटर से जो कंपनी है वो 2 साल की दे देती है, बट 2 साल में कोई भी मोटर कभी नहीं चलती। ये बात के विशेष रूप से ध्यान रखें। समरसेबल की बात करूँ, मोनोब्लॉक की नहीं बात करें, समरसेबल कभी नहीं चलती क्योंकि इसमें वाटर फ्लो वाइंडिंग होती है, साथ में इसे वाटर फ्लो वाइंडिंग के अंदर भी पानी डालता है और वो खुद भी पानी में रहती है, इसलिए ठंडी रहती है, हीट होती ही नहीं है। धीरे धीरे जैसे वाइंडिंग पुरानी होती जाती है उस समय फिर वो हीट होकर जल जाती है, बाकी उससे पहले नहीं जलती। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय वंदे मातरम।